కెమెరా చెక్ చేస్తుండే. విక్రమ్ సార్కి మీరు ఇక్కడ ఏదన్నా జూమ్ సబ్జెక్ట్ ని జూమ్ చేసి చూపించండి. పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ ఉంటే అక్కడ మనం అనౌన్స్ చేస్తాం. More than two people not allowed on two wheeler. Only one person on two wheeler. Just you calculate this whole of the height, huh? Yeah. Just remind in mind. And more than 40 meters. But yes, yeah. Then you can go up to 45. Yeah. And Sainikpuri crossroad traffic police. Triple riding, I say, but going to vehicles in Chala Pakka. There is a check post. Sainikpuri crossroad traffic. రాచకొండ కమిషనరేట్ నుంచి అనౌన్స్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ కూడా ట్రిపుల్ రైడింగ్ ఉంటే వెహికల్ సీజ్ అవుతుంది. టూ వీలర్స్ మీద వన్ పర్సన్ ఓన్లీ అలౌడ్ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో. ఫోర్ వీలర్ ఓన్లీ టూ పర్సన్స్. స్పీకర్ అక్కడ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ దట్ సైడ్ సో అప్పుడు నేను బంద్ చేస్తాను కిరాణా షాప్ దాన్ని. నౌ మౌలాలి బెటర్ అచ్చు మౌలాలి ఏరియాలో ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తాను. యువర్ హై టెన్షన్ వైర్ విజిబుల్ డిస్టెన్స్. राचकोंडा पुलिस में आज से कोविड 19 को प्रिवेंट करने के लिए हम दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी. ड्रोन टेक्नोलॉजी बेसिकली साइंट यहाँ पे जो आईटी कंपनी है और हमारे तेलंगाना पुलिस का एग्रीमेंट है ऑलरेडी. ये साइंट कंपनी के जरिए उनके CSR के अंडर साइबराबाद में इसका इस्तेमाल हो रहा है. आज से हम हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में जो वल्नरेबल एरियाज है
खासकर हमारा मऊलाली बालापुर और पहाड़ी शरीफ जहाँ पे हमें ज़्यादा पॉजिटिव केसेस अभी मिले हैं, उस एरिया में लॉकडाउन कंप्लीट इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं। इसके जरिए हम लोगों को सतर्क कर सकते हैं कि जहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग हैं उनको हम डिस्पर्स कर सकते हैं, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है उसके बारे में लोगों को हम अलर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें शाम को 6 बजे के बाद में मेडिकल शॉप और जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर है, हॉस्पिटल है, उसके अलावा बाकी एस्टेब्लिशमेंट बंद करना है उसके बारे में हम लोगों को अलर्ट कर सकते हैं। काफ़ी फायदे है ये टेक्नोलॉजी के, वो टेक्नोलॉजी हम आज से इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा जो है, जो हमारे जो व्हीकल्स है हम लोग भी वल्नरेबल है, क्योंकि हम जो है जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं उस एरिया में काम कर रहे हैं, उन हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो पेट्रोल के व्हीकल है मोबाइल्स उसको डिसइनफेक्ट करने का जो प्रोग्राम है वो हमने आज से शुरू किया। उसके बारे में हमें हर्षा टोयोटो के काफ़ी मदद मिली है, हर्षा टोयोटो ने उनके पास जो मशीन है डिसइनफेक्शन की, वो मशीन के जरिए वो हमारे व्हीकल्स जो है पूरे डिसइनफेक्शन करके दे रहे हैं। ठीक है,